भारत माता की जय एक भूखा मरता किसान नहीं बोल सकता, सुतरा नहीं लगता वो बोलता। आज मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि मेरा भारत कहाँ। मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब क्या है। मेरे पास कोई ऐसी सीढ़ी या ऐसी कोई लैडर या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपने भारत को बिठा दूँ और कह दूँ भी मेरा भारत यहाँ। मेरे को ये पता है कि मेरे भारत के साथ दिक्कतें हैं, मेरे भारत के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे भारत के साथ प्रॉब्लम है कि हमें आज़ादी को मिले 60 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी हमारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। हमारे देश का सरकारी कर्मचारी पूरी उम्र काम करके भी ईमानदारी से घर नहीं जोड़ सकता, और जिसको नौकरी नहीं है उसकी तो बात ही अलग है, उसके तो कहने ही क्या। हमारे देश में आज भी इतने सारे लोग हैं जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं है, जिनके पास दाना नहीं है। तो ऐसा क्या है? हमारा देश कोई बहुत मुश्किल देश नहीं है। हमारा देश इन्यू नहीं है कि यहाँ पे तो भाई सूरज नहीं निकलता 6 महीने, या यहाँ पे तो भूकंप इतने आते हैं जापान की तरह, या यहाँ पे तो बर्फ इतनी पड़ी रहती है। हमारा देश नेचुरली ज्योग्राफिकली एक बहुत रिच देश है। हमारे बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, तो उनको नौकरियां मिलेंगी एक नहीं मिलेंगी। एक किसान को जब बारिश नहीं होएगी, जब उसके छोटे छोटे लहलहाते पौधे सूख जाएंगे, तब उसका क्या उपाय है? जब गलत समय पे गलत मौसम में बारिश होएगी तो तुम्हारे पास उसका क्या इलाज है? तुम ये सवाल हमें उनसे करने हैं, लेकिन ये सवाल छुप जाते हैं। ये जो जरूरी सवाल है, ये मुश्किल सवाल है, इनको जवाब देना, इनके ऊपर काम करना मुश्किल है। और आसान है हमें जाति धर्म के आधार पे बांट देना और हमसे वोट निकलवा लेना, और हम हर साल आई इलेक्शन हम इसका शिकार होते हैं। सवाल एक आदमी पूछता है तब उसको दबा दिया जाता है, वो कमजोर है वो आवाज। आवाज तब स्ट्रोंग होगी जब पूरा गांव पूछेगा, पूरा शहर पूछेगा, पूरा देश पूछेगा, तब हमारी आवाज मजबूत होगी और उसको दबाना नामुमकिन होगा। तब उन्हें वो जवाब देने पड़ेंगे और तब भारत माता की भी जय हो जाएगी। भारत माता की जय एक भूखा मरता किसान नहीं बोल सकता, सुतरा नहीं लगता वो बोलता। भारत माता की जय एक बेरोजगार इंसान नहीं बोल सकता। भारत माता की जय अपने आप ही हो जाएगी जब हमारा देश टॉप क्लास देश होगा पूरे दुनिया में। हमें आपस की लड़ाई को बंद करना है, हमें एक दूसरे को गाड़ बकना, एक दूसरे के पीछे पड़ जाना, हमें ये बंद करना है। हमें नेताओं के पीछे पड़ना है, हमें उनसे सवाल करने और हमें इकट्ठे रहना है, और ये हमें बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जरूरी है।